हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकट कलेक्टर टीसी, और इसको स्पेशली मैं टिकट कलेक्टर के बारे में क्यों इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि एक जन है जो कमेंट में, जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, मैं अगर बताना चाहता तो मैं बहुत पढ़ा चढ़ा के मैं इस चीज़ को बता सकता था, क्योंकि इसके साथ तो और भी वैकेंसी आएंगी, जैसे कि रिजर्वेशन क्लर्क, और जो आप देखते हो स्टेशन पे जो टिकट देते हैं वो, जिसको कि टिकट क्लर्क बोलते हैं, और टीसी की, इसके साथ आपको स्टेशन मास्टर और गार्ड्स की भी देखने को मिलेंगी। लेकिन मैंने ऐसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं कहा है कि आपको लगे कि इतनी सारी भर्तियाँ आएंगी और मैं एक भीड़ इकट्ठा करूँ, नहीं। जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उस तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँच जाए और मेरे द्वारा कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, इसलिए मैं हमेशा वीडियो को सटीक बनाने की कोशिश करता हूँ, चाहे उसमें थोड़ा समय लगे। ठीक है, तो मेरी इस मेहनत को आप अप्रिशिएट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, नए हो तो। तो इस वीडियो में मैं टिकट कलेक्टर के बारे में बताऊंगा कि टिकट कलेक्टर, देखो सबसे पहली बात ये है कि टिकट कलेक्टर की जो वैकेंसी है वो कब आएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यूट्यूब पर देख लो, गूगल कर लो, न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लगाया भी हुआ है, ये देखो, ये काफ़ी पहले का न्यूज़पेपर है। जब ये न्यूज़पेपर आया था उस टाइम भी इसको दिखाकर इसकी आड़ में बहुत फेक न्यूज़ फैलाई गई थी, और अभी भी हफ्ते 10 दिन में कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिल जाती होगी। पर मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको एक अलग राह दिखाता हूँ, एक अलग चीज़ बताता हूँ, और हमेशा सच का साथ देना मेरे को अच्छा लगता है। मैं कभी भी गलत चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा जिससे कि आपका लॉस हो, आपका नुकसान हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब रेलवे ग्रुप डी और एएलपी की जो पोस्ट आ रही थी, मैं उसको 2000 समथिंग 16 से मैंने वीडियो स्टार्ट बनाना किया था, और मेरा एम ही यही था कि मैं रेलवे की जितनी भी वैकेंसी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। और 2016 में, इवन 2016 में आपने देखा होगा, अगर कोई उस टाइम से यूट्यूब चला रहा है, मैक्सिमम लोग तो उस टाइम से यूट्यूब नहीं चला रहे होंगे क्योंकि उस टाइम जियो नहीं था, मैं उस टाइम से ये चीज़ बता रहा हूँ, और मैं ऐसा अपनी बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले बताया था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रेलवे के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो केवल और केवल मेरा चैनल ही यूट्यूब पर दिखता था, क्योंकि मैं खुद जब देखता था तो कोई नहीं था। मुझे लगा कि अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो क्यों ना क्यों शेयर की जाए। लेकिन मेरे आने के बाद धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या इसमें बढ़ने लगी, कुछ अच्छे लोग आए, कुछ बुरे लोग आए, और मैक्सिमम अभी देखा जाता है कि बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं इसमें, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी भी मैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं ऐसा नहीं बताता बढ़ा चढ़ा कर कि ये द हिंदू न्यूज़ से मेरे को मिल गया या फिर इधर से मिल गया। मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली वो अच्छी बात है, जहाँ से भी मिली, लेकिन वो ऑथेंटिक है कि नहीं है वो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। और मैं क्यों इस चीज़ को इतने बड़े लेवल पर करके बताऊँ, मैं उस चीज़ को बताऊँ जिससे आपका फ़ायदा हो। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि रेलवे में भर्ती आएगी, ठीक है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो, कब आएगी, कैसे आएगी, कौन सी वेबसाइट पे आएगी, क्यों आएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये भी इंतज़ार मत करो सिलेबस क्या होगा, बुक्स कौन सी लें, कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें, कब पढ़ें, ये भी इंतज़ार मत करो, क्योंकि देखो आपके पास भर्ती कब आएगी इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक कभी नहीं है, और ना अगर आपको कोई बताता है वो गलत है। मैं भी बता रहा हूँ तो इसको आप रियली मत लो कि भाई मैं रेलवे में कहाँ कुछ हूँ तो मैं आपको सही बताता, तो नहीं, भर्ती आएगी, लेकिन इसका भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भर्ती इस महीने आएगी या नेक्स्ट 2019 के जनवरी में आएगी कि फरवरी में आएगी। ये कन्फर्म है कि आएगी ज़रूर, ये कन्फर्म है आएगी ज़रूर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आगे से अपने दिमाग से निकाल दो कि भर्ती कब आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो जो आपने सपना सोचा है ये पर्सन बनने का, वो आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो असली लड़ाई है, आपको लगता है कि आप भर्ती कब आएगी इसका इंतज़ार करोगे और आने के बाद तैयारी करोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये गलत फहमी है। जो लोग सेलेक्ट होंगे वो लोग अभी लगे होंगे प्रैक्टिस सेट लगाने में या अपना सिलेबस कवर करने में या पढ़ने में। आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप लोग यूट्यूब के पॉल्यूटेड एरिया में फंसे हुए रहते हो,
इन सब वीडियो को देखकर, और ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मैं सारी चीज़ इसमें क्लियर करूँगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपको टीसी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मन में आए, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट करना। नहीं तो अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में जा रहे हो, पॉल्यूटेड वीडियो देखोगे, तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। मैंने लॉस और फ़ायदा मैंने बता दिया है कि यूट्यूब पर किस तरीके से आपको लॉस में भेजा जाता है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे भगाया जाता है। आप किसी की वीडियोस देख रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन दे तो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है कि वो अच्छा ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या गलत दे रहा है, उसके बावजूद वो एक थर्ड प्लेटफॉर्म पे भी आपको भेज रहा है, आपको एक ऐसी भीड़ में भेज रहा है जहाँ आपका टाइम कंज्यूम होगा, आप वहाँ कुछ नहीं सीख सकते। आपको पता है कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप जानते हो। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत लंबी बात वार्तालाप हो गई है। टॉपिक यह है कि भर्ती कब आएगी। अब ये क्वेश्चन आप लोग कभी सर्च नहीं करोगे, कभी पूछोगे नहीं। इतनी बड़ी भर्ती जब आएगी ना रेलवे में, आपको पता है कोई छोटी भी भर्ती आती है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं पूछोगे ना इसके चक्कर में पड़ोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी क्या है। जब तक आप बंदे को पता नहीं है कि मैं इसमें लग सकता हूँ कि नहीं लग सकता हूँ, तब तक मन नहीं करता पढ़ने का। ठीक है ना, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, एएसएम, गार्ड, ईटीसी, इन सभी पदों के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन जो प्लस टू के बाद 3 साल पढ़ना पड़ता है ना कॉलेज, वो वाला ग्रेजुएशन, ये एकदम सत्य बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब जो फंसने वाली बात आती है वो आती है टिकट क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, और अपना जो टीसी, जिसको आप टिकट कलेक्टर बोलते हो, टीसी बोलते हो, टीटी बोलते हो, कई सारी भाषाओं में अलग अलग नाम दिया हुआ है, उसके लिए प्लस टू एलिजिबिलिटी रहती थी। ठीक है, और 90% 90% चांस है कि इस बार भी वही एलिजिबिलिटी रहेगी। तो आप अपने मन में वेद भाव मत रखो कि क्या अब तक ग्रेजुएशन हो जाए, नहीं, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता। रेलवे ने 1 साल पहले कोई नोटिस नहीं दिया, इसलिए टीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी प्लस टू, टीसी, रिजर्वेशन क्लर्क और टिकट क्लर्क। ठीक है, तो प्लस टू वाले जितने भी बच्चे हो आप लोग इसकी तैयारी करने लग जाओ। आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, भर्ती कब आएगी, एलिजिबिलिटी क्या, ये भी हो गया। अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सिलेबस आप लोग, नहीं अभी हम तैयारी कैसे करेंगे ये भी चीज़ है, फिर सिलेबस है, फिर बुक है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर आते हैं। सिलेबस क्या है, देखो जो भी अभी वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। जैसे कि अभी यूपी पुलिस का लगभग 50,000 पोस्ट आई है, तो ये भी एक कंपनी है जिसका नाम है TCS। ठीक है, टाटा की कंपनी है TCS, जिसका एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम वही कंपनी करा रही है। और अब आप अपने दिमाग में एक रॉ बना लो कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे इंडिया में, अगर वो अच्छे तरीके से हो रहे होंगे तो वो TCS कराएगी। अगर वो ऐसे ही 1-2 साल में रिजल्ट आएगा या फिर लीक होने की संभावना, तो आप समझ लेना कि ऑफलाइन होगा या फिर किसी अरी कंपनी से कराया जाएगा। तो अब जो एग्ज़ाम होगा, जैसे RPF का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, या फिर ये TC का एग्ज़ाम, जो NTPC जिसको हम कहते हैं, वो एग्ज़ाम, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम अब कराएगी TCS, TCS। और TCS का जो मानना है, TCS, क्योंकि अब जो भर्तियां निकलती हैं उसमें होते हैं बच्चों की संख्या ज़्यादा, अगर TCS पुराना वाला जो पैटर्न है उसको बनाकर एग्ज़ाम बनाए, तो समझ ही नहीं आएगा कि किसको हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है बच्चों को। अगर कुछ चेंज नहीं किया जाएगा तो अच्छे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपने अभी देखा होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम में कि बहुत अजीबोगरीब प्रश्न आए थे, जैसे कि बहुत छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी के CEO पूछ लिया, मालिक पूछ लिया, या अजीबोगरीब चीज़, और थोड़ा सा साइंस का लेवल अलग कर दिया। तो जो सिलेबस रहेगा, जिस तरीके से अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, सेम उसी तरीके का पैटर्न होगा, सिलेबस उसी तरीके का होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम होगा वो TCS कराएगी, ये कंफर्म है, और आपको TCS के हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है। अब हम बात करेंगे तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है। देखो, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, आपको सिर्फ अपनी सोच में चेंज करना है, अपने तरीकों में चेंज करना है, और अपनी
जो स्थिति है उसको अलग करनी है। आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। आप ये सोचो कि मैं किस तरीके से करूँगा कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है? नेगेटिव में मत जाओ, पॉजिटिव में जाओ। तैयारी कैसे करना है, देखो उसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसमें हमें करना क्या है। हमें करना है मैथ, हमें करना है रीजनिंग, हमें करना है जीके, हमें करना है जीएस, हमें करना है करंट अफेयर, ठीक है? अब मुझे पता है कि मैक्सिमम जो तैयारी है वो आप लोग यूट्यूब से ही करोगे, चाहे मैं जितना बोलूँ। तो मैं यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म में ऐसी जगह नहीं भेजूंगा जहाँ पे आपका लॉस हो, मैं ऐसी जगह आपको बताऊँगा जहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इस चीज़ के इंतज़ार में मत रहो कि भर्ती कब आएगी, आप आज से ही शुरू करो। आपको मैं चीज़ें बताता हूँ कि एग्ज़ामपुर चैनल है वहाँ पे जाइए, आप AK शाह मैथमेटिक्स पे जाइए, वहाँ से मैथ सीखिए, ठीक है? आप मैथ वहाँ से सीखिए, आप अगर बेसिक सीखना चाहते हो मैथ वहाँ से सीखिए, फिर उसके बाद आप एग्ज़ामपुर में जाइए, वहाँ पे आप चैप्टर वाइज हर चीज़ों को कीजिए। देखिए मैथ को चैप्टर वाइज कीजिए, साइंस को चैप्टर वाइज कीजिए, जीके को चैप्टर वाइज कीजिए, रीजनिंग को चैप्टर वाइज कीजिए। ये तो आपके हो गए ऑनलाइन नोट्स एडवांस, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो आप थोड़े से एडवांस हो, ये कहीं ना कहीं अब फेलियर हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन ही तैयारी कर रहे हैं। अब आप अलग क्या करोगे, अलग करने के लिए अब आपको अलग कुछ करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन से हटकर होगा। ऑनलाइन से हटकर क्या होगा, आपको कुछ किताबें लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने मेंशन किया है कि बुक्स, आपको बुक्स लेना पड़ेगा। और वो भी कौन सी बुक्स, अब इस पे भी विरोधाभास रहता है कि बुक्स कौन सी लें। देखो अगर आप उठा लाओगे RS अग्रवाल और दुनिया भर की किताबें ले आओगे, उनसे होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? देखो बुक्स के बारे में मैं बताता हूँ, आपको कोई हार्ड वाली बुक नहीं लेके आनी, आप मार्केट से सिर्फ कुछ ही बुक लेके आइए और उस पर अपनी कमांड बनाइए। जैसे कि सबसे पहले आपको GK GS के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेके आइए, ठीक है, जर्नल साइंस और GK की। उसको आप डेली पढ़िए, आप कोशिश कीजिए कि उसको कितना जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? उसको रिवाइज़ कीजिए, उसके साथ आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों टाइप की उसकी बुक आती है। एक आती है लूसेंट की जिसमें क्वेश्चन टाइप पूरे क्वेश्चन पूरा दिया होता है क्वेश्चन बना बना के, एक तो वो बुक है, एक है थ्योरी वाली। तो आप थ्योरी को पढ़िए फिर क्वेश्चन वाली बुक को पढ़िए, सबसे पहले थ्योरी वाली पढ़िए, ज़्यादा मोटी तो होती नहीं है लूसेंट की। आप दोनों में से कोई भी किताब पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़नी दोनों हैं, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन की GS GK। यहाँ मैं स्पीडी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई बंदा स्पीडी ज़रूर बोलेगा, मैं स्पीडी भी बोलूँगा। देखो स्पीडी क्या है कि TCS ने अपना पैटर्न चेंज किया, तो स्पीडी से आपको बहुत, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन जब लैंग्वेज ही चेंज रहेगी, क्योंकि स्पीडी में लैंग्वेज है बहुत आसान वाली और TCS के जो क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज बहुत कठिन वाली, जो कि SSC लेवल का है। अब SSC लेवल का आपको मिलेगा कहाँ, किरण पब्लिकेशन में मिलेगा, लूसेंट पे मिलेगा, जहाँ पे आप पूरा अच्छे से कहानी समझ लोगे तो आप अपने आप समझ लोगे कि ये क्वेश्चन उसमें से बना है। लेकिन अगर आप स्पीडी पढ़ते हो तो उसमें केवल क्वेश्चन दिया है, पैटर्न आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन अगर दूसरी भाषा में बनेगा तो कैसे बनेगा। तो आपको GK GS के लिए यहाँ लूसेंट और किरण पब्लिकेशन की GK GS पढ़नी है, ठीक है? देन करंट अफेयर, आप नेक्स्ट एग्जाम का एक चैनल है, वहाँ से डेली आप सुबह करंट अफेयर पढ़ेंगे, महीने की currentaffair.com की मैगजीन आती है वो पढ़ेंगे, यहाँ से आपका करंट अफेयर होगा। और एग्जामपुर चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, वहाँ से चैप्टर वाइज आपको कवर करना है, ठीक है? एग्जामपुर में मैं इसलिए आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब थोड़ा 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 मटेरियल हर कोई दे देता है, लेकिन पूरी तरीके से तैयारी कोई नहीं कराता। यूपी पुलिस का अभी रिजल्ट आया, आपको पता है इतना रिजल्ट एग्जामपुर से हुआ है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वहाँ से इतने बच्चे पढ़ के हुए हैं। एक बार आप उनके चैनल पर जाओगे देखोगे, ये सच है, रियल है, मैं कहीं गलत आपको नहीं भेज रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप वहाँ जाके देखिए, नहीं लगेगा अच्छा तो मत करना सब्सक्राइब, लेकिन वहाँ से जाके पढ़िए, आपको पता लग जाएगा, थोड़ा समय देंगे ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगेगा। और वहाँ से आप चाहे RPF की प्लेलिस्ट उठा लो, चाहे यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट उठा लो, वहाँ से आपको मैथ, देखो मैथ AK शाह मैथमेटिक्स से चैप्टर वाइज सीखो, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप RPF की मैथ एक राहुल सर करा रहे हैं एग्जामपुर में, वहाँ से आप मैथमेटिक्स उठा लो, क्योंकि हर जगह हर सिलेबस सेम है। आप यूपी पुलिस का मैथ उठा लो या ग्रुप डी का मैथ उठा लो, कोई सा भी मैथ चैप्टर वाइज उठाओ, वहाँ से अपनी एक नोटबुक बनाओ, चैप्टर वाइज कंप्लीट करो। साइंस
विवेक सर ने करा रखी है, एग्जामपुर जिनका चैनल है वहाँ से साइंस पूरा कंप्लीट करो, चैप्टर वाइज अलग नोटबुक बनाओ, करंट अफेयर के लिए एक नोटबुक भी बना सकते हो आप अलग से, स्पीडी मैगजीन खरीद सकते हो, स्पीडी की जो पर मंथ आती है और करंट अफेयर डॉट कॉम की मैगजीन जो आती है वो भी पर मंथ पढ़ सकते हो। टोटल मिला के आपको कुछ अलग नहीं करना है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करिए और जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको सब कुछ सही समय पर बताया है और इसी समय से अगर आप शुरू करोगे उस टाइम देखना बहुत सारे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जब आप ये बेसिक स्टार्ट कर दोगे रूटीन आपका बन जाएगा और जब ये रिक्रूटमेंट आएगा तो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसका क्रैश कोर्स मिलेगा। और अच्छा क्रैश कोर्स कहाँ होगा, 100% मैं मानता हूँ कि आपको क्रैश कोर्स एग्जामपुर पे मिलेगा, आपको वाईफाई पे भी मिल सकता है, अगर कहीं भी जहाँ भी अच्छा होगा मैं आपको वहाँ डाइवर्ट करूँगा, आप वहाँ से वो क्रैश कोर्स करके और अपना अपनी जो माइंड की जो मेमोरी की जो तलवार है उसको घिस के एकदम अच्छे बना सकते हैं। यानी कि जब आपने बेसिक नॉलेज ले ली आप वहाँ जाके फटाफट जब दोबारा रिवाइज करोगे तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, आगे कोई क्वेश्चन आप ना इसके बारे में समझना, अपनी तैयारी पे लगे रहो और इंतज़ार मत करो क्योंकि भर्ती आने वाली है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।